राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम मंगलवार को मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि लोगों में इसको लेकर उत्साह है, 6 निगमों में कांग्रेस अपना बोर्ड बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिनको भी टिकट दिया गया है वो सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा में पहली बार 6 निगमों में चुनाव हो रहा है। परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है तो उत्सुकता बहुत है। बहुत से लोगों को मौका मिला क्योंकि वार्डों की संख्या बढ़ गई है और मुझे लगता है कि अब तक का जो पार्टी की तैयारी रही और सब सरकार संगठन ने मिलकर जो काम किया है, मुझे विश्वास है कि जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है उन लोगों को शहर के मतदाता अपना वोट डालेंगे। और 6 के 6 निगमों में भाजपा कुछ भी दावा करे लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे कैंडिडेट्स, हमारी पार्टी, हमारे नेता, सरकार पर जो लोगों का भरोसा है वो बरकरार रहेगा और सभी 6 निगमों में कांग्रेस पार्टी के मेयर बनेंगे। इसके साथ ही पायलट ने पिछले दिनों सीएम गहलोत के साथ हुए विवाद को लेकर गठित कमेटी जो बनी है वो अपना काम कर रही है और पूरा भरोसा है कि कमेटी सही निर्णय लेगी। पटेल जी और अजय माकन जी अस्वस्थ हो गए थे बीच में, राहुल जी सोने जी विदेश चले गए थे। बहरहाल जो भी चर्चा उनको करनी है वो अपने स्तर पर कर रहे हैं, लगातार मीटिंग्स भी हो रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सब बातों का संज्ञान उनके जहन में है और बहुत जल्द अपने अपने निर्णयों पर वो कमेटी आएगी। सबका हमको जाहिर करना चाहिए। पायलट ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि केंद्र सरकार ने मनमानी तरीके से बिलों को पास करवाया है। बीजेपी सरकार ने शुरू में क्या कहा, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। ऐसा कौन सा किसान है इस भारतवर्ष में जिसकी आमदनी दुगनी हो गई है, पहली बात। दूसरी बात, बजाय इसकी मदद करें, उसको समर्थन दें, आप उसको चौतरफा मार पड़ रही है। महंगाई की मार पड़ रही है, कोरोना की मार पड़ रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और उसके पश्चात अब ये जो बिल लेकर आए हैं जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है, समझना पड़ेगा कि किसान को चारों तरफ से बांधा जा रहा है और किसान की बात हमारी पार्टी के नेता उठा रहे हैं। ये जो अलग अलग प्रकरण सामने आ रहे हैं ये दिखाता है कि दिल्ली में केंद्र की सरकार में किसानों की पैरवी, किसानों की बात करने वाला एक भी नेता मंत्री मौजूद नहीं है। वहीं पायलट ने गुर्जर आरक्षण मामले को लेकर भी अपनी बात कही। कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर 5% का MBC का आरक्षण दोबारा बनाया था। 9वीं सूची में डालने का काम केंद्र सरकार का है और मैं चाहता हूँ केंद्र सरकार इस काम को करे। कई बार जब पहले बीजेपी सरकार थी तब वादा किया, अब सभी सांसद बीजेपी के हैं, केंद्र में सरकार पूर्ण बहुमत की आपकी है, कोई कारण नहीं है कि केंद्र सरकार इस मामले को टाले। जहाँ तक बैकलॉग की बात है, जहाँ तक नौकरी देने की बात है, जब कानून हमारी सरकार ने बनाया और मैंने लिखा भी था मुख्यमंत्री जी को कि कहीं अगर उसमें कमी आ रही है तो उसको तत्काल पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि प्रदेश सरकार ने अगले दिन ही नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कहीं पर भी अगर बैकलॉग है, जहां पर इसके क्रियान्वयन में दिक्कत आ रही है, उसकी भरपाई प्रशासन पूरी तरह करेगा। मुझे लगता नहीं कहीं विवाद की कोई जगह है। कानून संविधान के तहत जिसको जो आरक्षण के माध्यम से मदद मिलनी है उसको मिलेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता।